नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार चक्रवर्ती है। मैं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में एक अध्यापक हूँ और जो मैं आज क्लास 12th के सब्जेक्ट लेके आया हूँ बैंकिंग। इसके संबंध में हम लोग आज देखेंगे, बैंकिंग के संबंध में क्या क्या देखेंगे आज कि बैंकिंग में सब्जेक्ट क्या क्या है। पहले हम लोग बैंक के बारे में जानेंगे कि बैंक है क्या, बैंक के बारे में यानी कौन कौन से बैंक है, सरकारी बैंक और उसके अलावा उससे के संबंधित सभी चीजों के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे। अब अगला उसके बाद उसी बैंक में ही हम लोग जो अगला देखेंगे वो क्या होगा, हम लोग का बैंक के क्या कार्य हैं, बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, बैंक कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे किसके बारे में कि जो हमारे बैंक में जो कौन सी हमारी इंडस्ट्रियल बैंक होती है, कौन से हमारे भूमि विकास बैंक होती है, चिट फंड बैंक कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे भूमि विकास बैंक के बारे में बात करेंगे कि भूमि विकास बैंक कैसे वर्क करता है और भूमि विकास बैंक से क्या क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएगा इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है, औद्योगिक बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि औद्योगिक बैंक में कौन कौन से कार्य क्या है, औद्योगिक बैंक होते क्या है, उनके प्रकार क्या है, उनके बारे में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा किसके बारे में देखेंगे, चिट फंड, ठीक है, ये चिट फंड में होता क्या है, ये चिट फंड कैसे चलता है, कैसा वर्क करता है, इस सब के बारे में आज हम लोग जो बात करेंगे इससे संबंधित होगा, पूरे बैंकिंग के इन विषयों से संबंधित है, ठीक है। तो उसके बाद आप आगे हम लोग जो पावर पॉइंट देखेंगे क्या इन सभी सब्जेक्टों के बारे में जो हमने मैंने उस पिक दिखाया उसी के आधार पर कि हम लोग बात करते हैं, ओके। कृषि औद्योगिक एवं व्यापारिक बैंकों की अर्थव्यवस्था। ऋणदाता या साहूकार या महाजन। अर्थ, साहूकार अथवा महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अल्पकाल के लिए किसानों, छोटे कारीगरों, मजदूरों एवं मध्य वर्ग के लोगों को ऋण देता है। यह जमा पर धनराशि स्वीकार नहीं करता। साहूकार ऋण देने के साथ साथ खेती का कार्य या दुकानदारी भी करता है। डॉक्टर एल सी जैन के अनुसार साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहक को समय समय पर ऋण देता रहता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थाओं तथा बैंकों की शाखाओं का जाल बिछने के बाद भी ग्रामीण साख व्यवस्था में महाजनों तथा स्वदेशी बैंकरों का महत्व बना हुआ है। अब देखते हैं बेटा, साहूकार दो प्रकार के होते हैं। पहला पेशेवर व्यवसायी या पेशेवर महाजन केवल ऋण देने का ही कार्य करते हैं, या ये एक स्थान से दूसरे स्थान को उधार देते हुए घूमते फिरते हैं। दूसरा गैर पेशेवर, ऐसे महाजन ऋण देने का कार्य सहायक या पूरक धंधे के रूप में करते हैं। गैर पेशेवर वर्ग में बड़े किसान, जमींदार, व्यापारी आदि आते हैं। अब देखिए साहूकारी प्रथा की विशेषताएं। पहला, साहूकार अपनी ही धनराशि से ऋण देते हैं। नंबर टू, अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार तथा अन्य कार्य भी करते हैं। थर्ड, ये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। फोर्थ, ये अपना हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं। अब आइए देखते हैं साहूकार या महाजन के कार्य क्या क्या कार्य करते हैं। पहला है ऋण देना। साहूकार ग्रामीण जनता को अल्पकाल के लिए उत्पादन तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। ऋण की अदायगी के नियम कठोर नहीं होते, बल्कि ऋणियों की सुविधा के अनुसार ऋण की अवधि में कमी या वृद्धि कर ली जाती है। साहूकार निम्नलिखित विधियों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं। पहला, जैसे हाथ उधारी, गिरवी रखकर, रहन रखकर, प्रतिज्ञा पत्र लिखवाकर, रुक्का लिखवाकर, किस्त प्रणाली के आधार पर, बही के लेखे लिखकर, दस्तावेज के आधार पर, जिंस के रूप में ऋण। दूसरा कार्य जो साहूकार का बेटा वो क्या है, कृषि उपज को बेचने में सहायक। महाजन किसानों की उपज को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाने में सहायता करते हैं।
थर्ड क्या है, अन्य व्यापार करने, महाजन ऋण देने के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं या व्यापार भी करते हैं। फोर्थ सट्टे का कार्य, महाजन सट्टा बाजार में सोना चांदी रुई आदि में सट्टा भी करते हैं। अब आते हैं देसी बैंक, देसी बैंक से क्या आशय है। भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति 1929 के विचार अनुसार स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक आदि को छोड़कर कोई व्यक्ति या निजी फर्म जो हुंडियों में व्यवहार करे और जनता में से जमा स्वीकार करे तथा ऋण प्रदान करे वह स्वदेशी बैंकर कहलाती है। भारतीय बैंकिंग आयोग 1972 के अनुसार देसी बैंक वे व्यक्ति एवं संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं अथवा बैंक से उधार लेते हैं। ये माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए बेटा देसी बैंकर की विशेषताएं। पहला, ये भारतीय बही खाता पद्धति के अनुसार अपने हिसाब किताब सही ढंग से रखते हैं। नंबर टू, यह अपने ग्राहकों के हिसाब किताब को गोपनीय रखते हैं। नंबर थर्ड, इनके कार्य करने का ढंग सरल एवं सीधा होता है। नंबर फोर्थ, इनकी ब्याज की दर ऊंची होती है। ये किस्तों में ऋण की वसूली करते हैं तथा ऋण की पहली किस्त देते समय ही काट लेते हैं। नंबर फाइव, ये उत्पादन तथा उपभोग दोनों प्रकार के कार्यों के लिए ऋण नगद अथवा वस्तुओं, बीज, खाद और औजारों के रूप में लिया जा सकता है। ऋण जमानत पर या बिना जमानत के भी दिए जाते हैं। नंबर सिक्स, इनका यह पैतृक व्यवसाय होता है। नंबर सेवन, सभी प्रकार के देसी बैंकर की कार्यप्रणाली एक सी नहीं होती। नंबर एट, व्यापारिक बैंकों की तुलना में इनके पास पूंजी कम होती है। ये सामान्यतः जनता से जमाएं भी स्वीकार करते हैं। नंबर नाइन, इनका कार्य क्षेत्र प्रायः गांवों तक ही सीमित रहता है। इनके द्वारा जमानत पर या बिना जमानत के भी ऋण सरलता से अर्थात ऋण दिए जाते हैं। अब देखिएगा बेटा देसी बैंकर के कार्य। पहला, देसी बैंकर के द्वारा किए जाने वाले विविध कार्य को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला बैंकिंग कार्य तथा दूसरा गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य कौन से हैं? जमाएं स्वीकार करना में है। देसी बैंक कर जनता से जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करते हैं जिस पर ये ब्याज देते हैं। नंबर टू, ऋण प्रदान करना। ये छोटे किसानों, व्यापारियों, उत्पादकों आदि को जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। नंबर थर्ड, हुंडी की व्यवसाय, हुंडी का व्यवसाय। देसी बैंकर हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं तथा उन्हें बट्टे पर भुनाते हैं। गैर बैंकिंग कार्य कौन से हैं? पहला, देसी बैंकर बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी करते हैं। नंबर टू, ग्राहकों की धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। नंबर थर्ड, फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं सहकारी साख समितियां। भारत में सहकारी साख आंदोलन की आधारशिला सर फ्रेडरिक निक्सन ने रखी। उन्होंने कृषि साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1895 में मद्रास में एक कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने देश के किसानों की भारी ऋणग्रस्तता को देखते हुए सरकारी साख संस्थाओं की स्थापना के लिए भी सरकार से सिफारिश की। तत्पश्चात सन 1901 में अकाल आयोग ने भी भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना के लिए सुझाव दिया। इन सुझावों के परिणाम स्वरूप देश में सन 1904 में पहला सहकारी अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए सहकारी साख समितियां क्या है। ऐसी समितियां सरकारी साख की आधारशिला का काम करती हैं। वर्तमान समय में ऐसी समितियों की संख्या कुल सहकारी समितियों का लगभग 75% है। ये समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला,
सदस्यता गठन तथा समिति का आकार। कोई भी 10 व्यक्ति या अधिकतम 100 व्यक्ति जो समान क्षेत्र, भाषा या जाति के हो, मिलकर किसी साख समिति का गठन कर सकते हैं। नंबर 2, कार्य क्षेत्र। इस प्रकार की समिति का कार्य क्षेत्र प्रायः एक गांव होता है। एक ही गांव के व्यक्ति मिलकर इसका गठन करते हैं और यह उन्हीं की आर्थिक सहायता के लिए कार्य करता है। नंबर 3, पंजीकरण। ऐसी समिति के लिए संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। नंबर 4, दायित्व। देश की अधिकांश कृषि साख समितियों में सदस्यों का दायित्व असीमित है, अतः सीमित के ऋण के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार के उत्तरदायी होता है। नंबर 5, प्रबंध एवं संचालन। इन समितियों का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। समिति के प्रबंध के लिए 2 समितियां, साधारण सभा या प्रबंध समिति। नंबर 6, मताधिकार। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है। नंबर 7, पूंजी। समिति की पूंजी 2 स्रोतों से प्राप्त होती है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। नंबर 8, उद्देश्य या कार्य। ऐसी समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित ब्याज पर अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। नंबर 9, ऋण नीति। ये समितियां केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं, गैर सदस्यों को नहीं। साख समितियां मुख्यतः 3 प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देती है। पहला, उत्पादक कार्यों के लिए। नंबर 2, उत्पादक कार्य अनुत्पादक कार्यों के लिए। नंबर 3, पुराने कर्जों के भुगतान के लिए। नंबर 10 है बेटा, लाभ का वितरण। जिन साख समितियों की अंश पूंजी नहीं होती है, उन्हें अपना समस्त लाभ संचित कोष में जमा करना पड़ता है। अंश पूंजी वाली समिति शुद्ध वार्षिक लाभ का 25% कोष में रखकर शेष 75% को अंशधारियों के से लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। नंबर 11, निरीक्षण तथा अंकेक्षण। समिति के कार्यों का निरीक्षण पंजीक के अधीन निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। समिति के हिसाब किताब की जांच भी पंजीयक अंकेक्षकों द्वारा कराता है। नंबर 12, विवाद का निपटारा। समिति तथा उसके सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता है। नंबर 13, सदस्यता या परित्याग। कोई भी सदस्य लिखित आवेदन पत्र देकर समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। नंबर 14, सीमित समिति का भंग किया जाना। यदि पंजीकृत चाहे तो वह नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाली या निरंतर घाटे में चलने वाली समिति को भंग कर सकता है। अब आते हैं बेटा चिट फंड में। अगला पॉइंट क्या है? चिट फंड। चिट फंड कुछ व्यक्तियों का पारस्परिक सहायता प्राप्ति का एक ऐच्छिक संगठन होता है। ये संगठन बड़े बड़े नगरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर आदि में बनाए जाते हैं। इनकी संख्या 10 अथवा इससे अधिक कितनी भी हो सकती है। यह संगठन एक कोष का निर्माण करता है जिसमें समस्त सदस्य एक निश्चित धनराशि मासिक रूप में जमा करते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह एक चिट दी जाती है जिस पर एक संख्या लिखी रहती है। प्रत्येक माह में एक निश्चित तिथि को लॉटरी निकाली जाती है तथा जिस सदस्य को की चिट की संख्या अर्थात लॉटरी निकलती है, उसको संपूर्ण राशि जो उस माह में जमा होती है दे दी जाती है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब तक सभी सदस्यों का नंबर ना आ जाए, किसी भी सदस्य की लॉटरी दोबारा ना निकले। चिट फंड अधिनियम 1882 17 राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रभावशील हो चुका है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 1989 से उपयुक्त अधिनियम को राजस्थान में भी लागू कर दिया है। अन्य राज्यों में इससे लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की गई है। अब देखिए बेटा चिट फंड के लाभ क्या है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जनता में बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 2, एक साथ पर्याप्त धनराशि मिल जाने से उपयोगी कार्य में
लगाया जा सकता है। नंबर थर्ड, इससे पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। नंबर फोर्थ, लॉटरी में से प्राप्त राशि संकट काल में अत्यधिक सहायक होती है। चिट फंड के दोष क्या हैं? इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें धोखाधड़ी तथा बेईमानी की संभावना रहती है। नंबर टू, अव्यवस्था की दशा में पारस्परिक विवाद का भय रहता है। नंबर थ्री, कभी कभी यदि कोई व्यक्ति जिसकी लॉटरी पहले निकल आती है तथा वो किस्त देना बंद कर देता है तब योजना के असफल होने का भय हो जाता है। अब आइए सरकारी तकावी। सरकारी तकावी का अर्थ अरबी भाषा में अल्पकालीन ऋण को तकावी कहते हैं। भारत में राज्य सरकारें कृषि कार्यों के लिए भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 तथा कृषि ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत किसानों को जो ऋण देती रही है उन्हें तकावी ऋण कहा जाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत 20 वर्ष तक की अवधि के दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं, जबकि कृषि ऋण के अंतर्गत कृषि को की चालू आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। ये ऋण तहसीलदार अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से दिए जाते हैं। अब देखिए सरकारी तकावी का आरंभ। भारत में तकावी ऋण का आरंभ बाढ़, अकाल, सूखा आदि किसी प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की सहायता के लिए किया गया था। अर्थात तकावी ऋणों का उद्देश्य संकट के समय किसानों की आर्थिक सहायता करना था, किंतु धीरे धीरे ये ऋण सरकार द्वारा नियमित रूप से दिए जाने लगे और किसान इनका प्रयोग कृषि कार्यों में भी करने लगे। अब है बेटा तकावी का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में तकावी ऋण किसानों की खेती संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा संकट काल में जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। गत कुछ वर्षों में भारत के अनेक राज्यों में कृषि संबंधी ऋणों के वितरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है। ऐसे राज्यों में राज्य सरकार द्वारा केवल संकटकालीन ऋण का वितरण ही किया जाता है। जिन राज्यों में पंचायती राज्य का स्थापना नहीं हो पाई है वहां पर तकावी ऋणों का वितरण अब भी राज्य सरकार के राजस्व विभाग करता है। अब देखिए बेटा तकावी ऋण की रकम। भारत में तकावी ऋण के रूप में प्रतिवर्ष कितनी रकम वितरित की जाती है इसका सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुरूप या अनुमान के अनुसार तकावी ऋण भारतीय किसी को की कुल किसी साख आवश्यकताओं का 3% भाग ही पूरा कर पाते हैं। सरकार तकावी ऋण की मात्रा का निर्धारण किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं करती, बल्कि सरकार तो एक निश्चित कर यह निश्चित करती है कि उसे कुल कितनी धनराशि तकावी ऋणों के रूप में वितरित करनी है। तत्पश्चात कुल निर्धारित राशि को किसानों की मांग के अनुपात में वितरित दिया जाता है। अब देखिए तकावी ऋण के दोष। कम धनराशि। तकावी ऋणों के रूप में मिलने वाली राशि सामान्यतः आवश्यकता से कम रही है। इसका कारण यह है कि तकावी ऋणों की कुल राशि का निर्धारण सरकार अपने बजट को देखकर करती है, न कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। नंबर टू, ऋणों के वितरण में पक्षपात। तकावी ऋण प्रायः राजनीतिक प्रभाव वाले बड़े बड़े किसानों को दी जाती है, छोटे किसानों के लिए बहुत कम रकम शेष रहती है। जब से तकावी ऋणों का वितरण अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया है तब से तकावी ऋणों का लाभ मुख्यतः सत्ताधारी दल के संबंधित व्यक्तियों को ही मिल पाता है। नंबर थर्ड, ऋण वितरण में देरी या भ्रष्टाचार। तकावी ऋणों की स्वीकृति तथा भुगतान में पर्याप्त समय लग जाता है। इनकी प्राप्ति में विलंब के कारण इनका व्यवहारिक महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त तकावी की
प्राप्ति के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, इससे किसानों को मिलने वाली वार्षिक रकम बहुत कम रह जाती है। नंबर 4, ऋण के दुरुपयोग की संभावना। तकादी ऋण विशिष्ट कार्यों के लिए ही दिए जाते हैं, किंतु ऋण राशि के उपयोग को देख रेख में के अभाव के कारण ऋणों के दुरुपयोग की आशंका रहती है। नंबर 5, ऋण वसूली में कड़ाई। तकाबी ऋणों की वसूली में बड़ी शक्ति तथा कठोरता के से काम लिया जाता है। किसानों के हल, बैंक, बैल तथा अन्य आवश्यक सामान की पूर्ति तक करा ली जाती है। अब आते हैं बेटा औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक का अर्थ क्या है? औद्योगिक बैंक से अभिप्राय ऐसे बैंक से हैं जो उद्योग धंधों का मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देता है तथा उद्योगों के विकास के लिए अन्य कार्य भी करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में उद्योगों में धनराशि लगाने का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। उद्योगों के लिए चालू पूंजी का प्रबंध तो व्यापारिक बैंक द्वारा कर दिया जाता है, किंतु स्थायी पूंजी का प्रबंध व्यापारिक बैंक नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें जनता से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त नहीं हो पाती। अतः उद्योग की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की मांग की पूर्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की स्थापना की जाती है, जिन्हें औद्योगिक बैंक के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक बैंक के सामान्यतः निम्नलिखित कार्य है। पहला, अंश क्रय करना। ये बैंक औद्योगिक कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले अंशों को क्रय करते रहते हैं। इससे कंपनियों को इन बैंकों से पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिल जाती है। नंबर 2, ऋण पत्र क्रय करना। ये बैंक औद्योगिक कंपनियों के ऋण पत्र, बॉन्ड आदि भी खरीदते हैं। ऋण पत्रों के क्रय किए जाने से भी औद्योगिक उपक्रम को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, ऋण देना। ये बैंक लघु, मध्य तथा बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, जिनका भुगतान सरल तथा आसान किस्तों पर करने की व्यवस्था होती है। इन बैंकों द्वारा ऋण देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की मुद्राओं में दिए जाते हैं। नंबर 4, ऋणों की गारंटी देना। अनेक बार औद्योगिक इकाइयां अपने ही साधनों से ऋण की व्यवस्था कर लेती है, किंतु उन्हें किसी वित्तीय संस्था से ऋण की गारंटी दिलानी होती है। औद्योगिक बैंक ऐसी गारंटी प्रदान करके उद्योगों को सरल तथा आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। नंबर 5, अभिकोपन करना। औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों तथा ऋण पत्रों को बेचने का दायित्व भी औद्योगिक बैंक द्वारा ले लिया जाता है। इन बैंकों द्वारा अभिकोपन कार्य किए जाने से अंशों तथा ऋण पत्रों की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे उनकी बिक्री आसानी से हो जाती है। नंबर 6, जमाएं स्वीकार करना। कभी कभी ये बैंक जनता से दीर्घकालीन अवधि के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं। ऐसी जमाओं पर व्यापारी बैंकों की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जाता है। नंबर 7, तकनीकी सलाह देना। औद्योगिक बैंकों के पास विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ भी होते हैं, जो औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी सलाह देते रहते हैं। कभी कभी इन बैंकों के विशेषज्ञ कंपनियों के संचालक मंडल में भी नियुक्त किए जाते हैं। अब आते हैं भूमि बंधक या विकास बैंक। भूमि बंधक या विकास बैंक का अर्थ है, भूमि बंधक या विकास बैंक वह बैंक संस्था है जो किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर अधिक समय यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। यह ऋण स्थायी भूमि में सुधार करने अथवा भारी यंत्रों को क्रय करने के लिए दिया जाता है। भूमि बंधक या विकास बैंक के भेद। भूमि विकास बैंकों का दो भिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर भूमि बंधक बैंकों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, सहकारी भूमि विकास बैंक। ऐसे बैंकों का गठन सहकारी आधार पर किया जाता है। इन बैंकों के सदस्य केवल उधार लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो छोटे छोटे किसान तथा भूस्वामी होते हैं। ये बैंक के सदस्यों द्वारा चुकाए गए प्रवेश शुल्क से
ही अपने खर्चे पूरे करते हैं। जब कभी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो बंधक बॉन्ड निर्मित कर दिए जाते हैं जिन पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऋण के रूप में भी पूंजी प्राप्त की जाती है। ऐसे बैंक मुख्यतः जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के बैंक बहुत कम है। मार्च 1959 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक इसी प्रकार का बैंक है। दूसरा व्यापारिक भूमि विकास बैंक, इन्हें पूंजीवादी बंधक बैंक भी कहते हैं। इस प्रकार के बैंक लाभ की भावना से कार्य करते हैं तथा लाभांश का वितरण करते हैं। इनमें ऋणियों के मत का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार के बैंक जर्मनी डेनमार्क तथा नॉर्वे में पाए जाते हैं। थर्ड, अर्ध सरकारी भूमि विकास बैंक, इन्हें मिश्रित भूमि विकास बैंक भी कहते हैं। इस प्रकार के बैंक के सदस्य ऋण लेने वाले तथा ऋण देने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये अपनी कार्यशील पूंजी अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करते हैं। ये सीमित दायित्व के आधार पर कार्य करते हैं। भारत में इसी प्रकार के भूमि विकास बैंक पाए जाते हैं। दूसरा है बेटा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर भूमि विकास बैंकों को दो वर्गों में बांटा गया। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, भारत में ऐसे बैंकों का गठन खंड तहसील तथा जिला स्तर पर किया गया है। इनका किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है और ये उन्हें दीर्घकाल में के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऐसे बैंक को अब प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। नंबर टू, केंद्रीय भूमि विकास बैंक। भारत में इनकी स्थापना राज्य स्तर पर ही की गई है। ऐसे बैंक किसानों को सीधे ऋण नहीं देते बल्कि ये प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा उनके ऋण पत्रों की बिक्री में सहायता करते हैं। ऐसे बैंक अब राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाने जाते हैं।